Hello everyone, welcome to Up-Skill Shorthand. My name is Manisha and this video is a part of an English shorthand series in which I am teaching the full course of Bitman New Era Shorthand in English. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. शॉर्टहैंड में हम 4 टाइप्स के स्ट्रोक्स बनाते हैं. स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स. तो इन 4 टाइप्स के स्ट्रोक्स में से हम स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स बनाना सीख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बनाना सीख चुके हैं एंड अपवर्ड स्ट्रोक्स भी हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं. अगर आपने ये तीनों वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियोस का लिंक है, आप वहां से ये वीडियोस चेक कर सकते हैं. आई रिक्वेस्ट कि पहले आप ये तीनों वीडियोस देखें ताकि पहले ये तीनों टाइप्स के स्ट्रोक्स आपको क्लियर हो, उसके बाद ही आप आज की वीडियो कंटिन्यू करें. तो आज का हमारा टॉपिक है कर्व स्ट्रोक्स. तो सबसे पहले कर्व स्ट्रोक्स क्या होते हैं? वो स्ट्रोक्स जो हम हमेशा कर्व्ड बनाते हैं उन्हें हम शॉर्टहैंड में कर्व्ड स्ट्रोक्स बोलते हैं. ये स्ट्रोक्स हमेशा कर्व्ड बनने के साथ साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बनते हैं. सो शॉर्टहैंड में हम जितने भी कर्व स्ट्रोक्स आज लर्न करेंगे वो हम कर्व्ड बनाने के साथ साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बनाएंगे. हमेशा ध्यान रखना है, आज हम जितने भी कॉन्सोनेंट्स लर्न करेंगे वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनते हैं. शॉर्टहैंड में टोटल 8 कर्व स्ट्रोक्स होते हैं जो हमेशा 2-2 स्ट्रोक्स के पेयर में बनते हैं. सो टोटल 4 पेयर्स हैं हमारे पास जिनमें हर पेयर में 2 स्ट्रोक्स हैं. एफ वी, थ द, एस जी, श एंड ज. ये हमारे 4 पेयर हैं एंड टोटल 8 कर्व स्ट्रोक्स हैं. तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि शॉर्टहैंड में हम जितने भी कॉन्सोनेंट ड्रॉ करते हैं वो हम इन्हीं 2 सर्कल से ड्रॉ करते हैं. सो आज के सारे कर्व स्ट्रोक्स भी हम इन्हीं सर्कल से ड्रॉ करेंगे. सिर्फ वे, ये एंड एच कॉन्सोनेंट है जो हम इन 2 सर्कल से ड्रॉ नहीं कर सकते. बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स हम इन्हीं 2 सर्कल से शॉर्टहैंड में ड्रॉ करते हैं. तो चलिए अब चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ. फर्स्ट है एफ. लाइट बनता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन. इस कॉन्सोनेंट को हम इंग्लिश अल्फाबेट एफ की तरह प्रोनाउंस करते हैं. तो एफ इस कॉन्सोनेंट का नेम है. ये कॉन्सोनेंट जितनी भी फ साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉल, फाइव, फैन. ऐसे ही जितने भी वर्ड्स में फ साउंड आएगी उन्हें हम एफ कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे. एफ कॉन्सोनेंट बनाने के लिए हम सर्कल का कर्व्ड पार्ट यूज करते हैं. तो जैसे सर्कल में कर्व्ड पार्ट बना है, जैसे हाईलाइट हो रखा है, वैसे ही हमें अपना सिंबल ड्रॉ करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये हमारा F कॉन्सोनेंट बन जाएगा. नेक्स्ट है V. ये डार्क बनता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन. कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट V की तरह. तो इस कॉन्सोनेंट का नेम V है. ये कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में जो V अल्फाबेट है उसकी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे वैन, मूव, वैल्यू. ऐसे ही जितनी भी V अल्फाबेट की साउंड आएगी उन्हें हम V कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे. अब हमने लास्ट लेसन में अपवर्ड स्ट्रोक्स पढ़े थे जिनमें एक कॉन्सोनेंट था वे, जो वे साउंड रिप्रेजेंट करता है. तो कंफ्यूज नहीं होना है वे कॉन्सोनेंट एंड वी कॉन्सोनेंट में. वे कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट डब्ल्यू है उसकी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे वाटर, वॉश. दोनों ही साउंड अलग है. तो जहां भी डब्ल्यू की साउंड आएगी वहां हम वे कॉन्सोनेंट यूज करेंगे और जहां भी वी की साउंड आएगी वहां हम वी कॉन्सोनेंट यूज करेंगे. वी कॉन्सोनेंट हमारा बिल्कुल एफ की तरह बनता है लेकिन डार्क बनता है. तो वी कॉन्सोनेंट के लिए भी हम सर्कल का हाईलाइटेड पार्ट यूज करेंगे. जैसे सर्कल में हाईलाइटेड है वैसे ही हमको अपना वी कॉन्सोनेंट बनाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन. अब ये कॉन्सोनेंट डार्क है तो इसके लिए हम बिल्कुल भी ओवरराइटिंग नहीं करेंगे, एक बार में पूरा कॉन्सोनेंट बनाएंगे. नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है था. ये लाइट बनता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन. इसे हम था प्रोनाउंस करते हैं. सो था इस कॉन्सोनेंट का नेम है. नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में था साउंड हम टी एंड एच के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी स्पेसिफिक अल्फाबेट नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में था साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो उसके लिए हम टी एंड एच का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे थैंक्स, बाथ, थिन. इन सभी वर्ड्स में जो था साउंड है वो हम टी एंड एच के कॉम्बिनेशन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो शॉर्टहैंड में हम ये जितनी भी था साउंड है उन्हें हम थ कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके लिए हम सर्कल में जैसे हाईलाइटेड पार्ट है बिल्कुल वैसे ही सिंबल ड्रॉ करते हैं. तो इसके लिए भी हमने एक सिंबल ड्रॉ करना है, जैसे हमारा सर्कल में हाईलाइटेड है बिल्कुल वैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा ऑन द लाइन। तो ये हमारा थ कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है दा। ये डार्क बनता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन। इस कॉन्सोनेंट को हम द प्रोनाउंस करते हैं। सो द इस कॉन्सोनेंट का नेम है। इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी द साउंड होती है ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे दैट, दिस, ब्रीद। नाउ द के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इस साउंड को भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में टी एंड एच के कॉम्बिनेशन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ एंड द दोनों ही साउंड्स के लिए इंग्लिश में टी एंड एच का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सो शॉर्ट हैंड में हमें ये ध्यान रखना है कि थ लाइट कॉन्सोनेंट है एंड द हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है। ये दो अलग साउंड है, ये दो अलग कॉन्सोनेंट है। क्योंकि हम शॉर्ट हैंड हमेशा प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो अगर दो साउंड है तो हमें दो कॉन्सोनेंट अलग अलग ऑलरेडी दिए हुए हैं शॉर्ट हैंड में। तो थ हमारा लाइट कॉन्सोनेंट बनेगा एंड द हमारा डार्क कॉन्सोनेंट बनेगा। तो द कॉन्सोनेंट भी बिल्कुल थ की तरह ही बनता है बट डार्क बनता है। तो इसके लिए भी हमें जैसे सर्कल में हाईलाइटेड पार्ट है बिल्कुल वैसे सिंबल ड्रॉ करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन। तो ये हमारा द कॉन्सोनेंट बन जाएगा। अब है कॉन्सोनेंट एस। ये लाइट कॉन्सोनेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है ऑन द लाइन। इस कॉन्सोनेंट को हम इंग्लिश अल्फाबेट एस की तरह प्रोनाउंस करते हैं। सो एस इस कॉन्सोनेंट का नेम है। ये कॉन्सोनेंट जितनी भी स साउंड होती है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे सो, सेल, लेस। ऐसे जितनी भी अल्फाबेट एस की साउंड है वो हम एस कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में सी फॉर कैट वाला सी भी एस की तरह प्रोनाउंस होता है। तो जहां भी हमारा सी एस की तरह प्रोनाउंस हो रहा होगा वहां हम एस कॉन्सोनेंट का ही यूज करेंगे। इस कॉन्सोनेंट को बनाने के लिए भी हम जैसे सर्कल में हाईलाइटेड पार्ट है बिल्कुल वैसे ही सिंबल ड्रॉ करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा एस कॉन्सोनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है जी। ये डार्क कॉन्सोनेंट है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है ऑन द लाइन। इस कॉन्सोनेंट को हम जी प्रोनाउंस करते हैं। तो जी इस कॉन्सोनेंट का नेम है। ये जितनी भी जी साउंड होती है इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे जीरो, क्रेज, वॉज, हुज। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में एक अल्फाबेट है एस जो कभी कभी जी की तरह प्रोनाउंस होता है, जैसे वॉज एंड हुज में। तो ऐसे वर्ड्स की जैसे वॉज है, हुज है, इन वर्ड्स में जो एस है वो जी की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। तो इन वर्ड्स की जब हम आउटलाइन बनाएंगे तो हम जी कॉन्सोनेंट का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी आउटलाइंस हम बनाते हैं शॉर्ट हैंड में वो हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। शॉर्ट हैंड लिखते समय हम कभी भी वर्ड की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हमेशा हम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सो जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमें जी साउंड सुनाई दे रही है वहां हम जी कॉन्सोनेंट का ही यूज करेंगे। जी कॉन्सोनेंट भी हमारा बिल्कुल एस की तरह बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन डार्क बनता है। तो इसे बनाने के लिए भी हम जैसे सर्कल में हाईलाइटेड पार्ट है वैसे सिंबल ड्रॉ करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा जी कॉन्सोनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है श। लाइट बनता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन। कैसे प्रोनाउंस करते हैं श? सो श इस कॉन्सोनेंट का नेम है। ये कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में जो श साउंड होती है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे शेल, शो, कैश। ऐसे ही जितनी भी श साउंड आएगी उन्हें हम श कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो श साउंड हम इंग्लिश में एस एंड एच के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे वर्ड जिनमें श साउंड आ रही है इनमें हम श कॉन्सोनेंट का ही यूज करेंगे। इस कॉन्सोनेंट को भी हम सर्कल का कर्व पार्ट से ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए भी सर्कल में जैसे कर्व पार्ट है बिल्कुल वैसा सिंबल हमें ड्रॉ करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये श कॉन्सोनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सोनेंट है हमारा ज। डार्क कॉन्सोनेंट है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा ऑन द लाइन। ज कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज की जितनी भी ज साउंड है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्लोजर, प्लेजर, ट्रेजर। अब हमने जी कॉन्सोनेंट में पढ़ा कि एस हमारा कभी कभी जी कॉन्सोनेंट की तरह भी साउंड करता है, जैसे वॉज एंड हुज में। तो वहां पे हमें ज कॉन्सोनेंट यूज नहीं करना है क्योंकि वहां पे सिंगल एस है। यहाँ पे क्लोजर एंड प्लेजर, ट्रेजर, इन सभी वर्ड्स में जो ज साउंड है उसमें हल्का एच भी है, ज है, ज नॉट जी, तो दोनों ही साउंड अलग है। तो जहां भी जी साउंड आएगी वहां हम जी कॉन्सोनेंट यूज करेंगे, एंड जहां भी ज साउंड आएगी वहां हम ज कॉन्सोनेंट यूज करेंगे। नाउ ज कॉन्सोनेंट हमारा बिल्कुल श की तरह बनता है बट डार्क बनता है। जैसे सर्कल में हाईलाइटेड पार्ट है, हमें बिल्कुल वैसे ही अपना कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑन द लाइन। सो ये हमारे 8 कर्व स्ट्रोक्स थे जो हमने आज कंप्लीट किए। अब देख लेते हैं हमें कर्व स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एफ। एफ हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, कर्व्ड बनने के साथ साथ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। सो एफ 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 एफ, इसकी हम 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा वी। वी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल एफ की तरह बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो वी 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 वी, इसकी भी हम 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा थ। थ हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। सो था 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 था, इसकी भी हम 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करेंगे। फिर है द। ये हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल थ की तरह बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो द द द द, इसकी भी हम 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट है एस। एस हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है थ का अपोजिट। सो एस 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 एस, इसकी भी हमने 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है जी। जी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल एस की तरह बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो जी 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 जी, इसकी भी हम 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा श। श हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। सो श श श श, इसकी भी हम 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा ज। ज हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है बिल्कुल श की तरह। सो ज ज ज ज़ा, इसकी भी हम 4 लाइन्स तक प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखें कि जितने भी कॉन्सोनेंट की हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम हमेशा ऑन द लाइन ही करेंगे। सारे कॉन्सोनेंट हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं वो हम हमेशा ऑन द लाइन बनाते हैं। जब हम आगे जाके इन कॉन्सोनेंट्स को वॉवल्स के साथ यूज़ करेंगे तो इनकी आउटलाइन अकॉर्डिंग टू वॉवल रहेगी, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें हम ऑन द लाइन ही बनाएंगे। तो अब हमने कॉन्सोनेंट आर एंड कॉन्सोनेंट एच के अलावा सारे कॉन्सोनेंट बनाने सीख लिए हैं। अब इन कॉन्सोनेंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये सारे कॉन्सोनेंट जो अब तक पढ़े हैं, सारे कॉन्सोनेंट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स एंड ये आज जो हमने पढ़े कर्व स्ट्रोक्स, ये सब आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पे लर्न ना हो जाए। सारे कॉन्सोनेंट के नेम एंड सिंबल, वो लाइट बनते हैं या डार्क बनते हैं, ये सब अच्छे से लर्न करना है ताकि आगे जाके जब स्पीड राइटिंग करें तो कॉन्सोनेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।